धनबाद जिले का प्रतिष्ठित असरफी अस्पताल में आज जमकर मारपीट हंगामा की घटना हुई। भाजपा नेता रमेश पांडे, उनके भाई के समर्थकों ने अस्पताल कर्मी की जमकर पिटाई कर दी। अस्पताल कर्मी के साथ भाजपा नेता के दर्जनों समर्थकों ने मारपीट किया। घटना से पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पाकर धनबाद पुलिस DSP लॉ एंड ऑर्डर अरविंद कुमार सिन्हा मौके पर पहुंची। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात अस्पताल में किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस एवं DSP लॉ एंड ऑर्डर के मामले को शांत कराया गया। बताया गया कि रमेश पांडे के सहयोगी मंटू पांडे की बच्ची 3 दिन से अस्पताल में भर्ती थी, जिस दौरान इलाज में लापरवाही को लेकर तो हंगामा हुआ। इसके बाद अस्पताल कर्मियों और मंटू पांडे सहित अन्य सहयोगियों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसके बाद अस्पताल कर्मी अस्पताल में काम नहीं करने की बात करने लगे, जिसे लेकर विवाद और बढ़ गया और कर्मियों के साथ मारपीट की गई। साथ ही मौके पर पहुंचे एक पुलिस जवान के साथ बदसलूकी की गई और वर्दी फाड़ दी गई। साथ ही अस्पताल कर्मियों ने मंटू पांडे पर हथियार लहराने का भी आरोप लगाया है। अस्पताल में मारपीट की घटना CCTV में कैद हो गई है। घटना को लेकर अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर स्वाति ने कहा कि भाजपा नेता रमेश पांडे अस्पताल में कुछ ही दूरी पर आते हैं और अस्पताल में आकर दबंगई पेश करते हैं। कई बार पहले भी अस्पताल में हंगामा कर चुके हैं। कहा कि मंटू पांडे नामक व्यक्ति की बच्ची अस्पताल के ICU में भर्ती थी, इलाज चल रहा था, मगर वे लोग बेवजह हंगामा करने लगे और अस्पताल कर्मियों के साथ मारपीट किया, पिस्टल लहराया, साथ ही एक पुलिस कर्मी की वर्दी भी फाड़ दी। इसे लेकर DSP ने अरविंद कुमार सिन्हा ने कहा कि अस्पताल में मारपीट हंगामा करने और पुलिस जवान के साथ बदसलूकी करने वर्दी फाड़ने की घटना हुई है, जिसे लेकर हंगामा करने वालों पर अलग अलग मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं मौके से हंगामा कर रहे 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। यहाँ पे हम लोगों के पास एक मरीज बच्ची एडमिट है ICU में। उनके अटेंडेंट लोग यहाँ पे आते रहते हैं, जो चार पांच की संख्या से ज्यादा ही है अटेंडेंट। ये ड्रिंक करके आए थे, आज सुबह की घटना है। हमारा न्यूरो ICU का एक ब्रदर अपनी ड्यूटी खत्म करके बाहर गया और वो जब वापस लौट रहा था चाय पी करके, उसको बेवजह उनको मारा गया। कोई कारण नहीं था, ये लोग ड्रिंक किए थे। ड्रिंक करने के बाद ये जो हमें एडमिशन के टाइम में बताया गया है, ये रमेश पांडे के रिश्तेदार है और ये बार बार हमसे यही कह रहे थे कि आप लोगों को पता नहीं है, हम रमेश पांडे, मेरा भाई है रमेश पांडे। जी बिल्कुल ठीक है, ICU में है, बच्ची का आज प्लान डिस्चार्ज था, हमारे पास 2 से 3 दिन से एडमिटेड है। ठीक है, बच्ची के काफी सुधार है और आज डॉक्टर साहब ने यही कहा था कि जब वो आएंगे देख के डिस्चार्ज करेंगे। सर करीबन मेरे ख्याल से अभी सुबह की मैं जब बात बता रही हूँ, मैं आपको पूरे घंटे ये बता रही हूँ कि जब मैं ड्यूटी पे आई, मेरे सारे स्टाफ यहाँ पे मेरे पास खड़े थे कि हम लोग ड्यूटी नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग जब भी यहाँ पे भर्ती होते हैं, ये पहला इंसिडेंस नहीं है। ठीक है, 3-4 बार पहले भी हो चुका है, 3 बार मेरे साथ हुआ। यही लोग गाड़ी से आए थे, गाड़ी अभी बीच में, और ये लोग जब भी आते हैं गाड़ी हमारी इमरजेंसी के गेट में ऐसे लगा के जाते हैं ताकि एम्बुलेंस या दूसरी गाड़ी इमरजेंसी की ना आ पाए। जब आते हैं हमारे गार्ड पे हाथ उठा देते हैं, कभी किसी फार्मेसी वाले को मार देते हैं, कभी किसी को गाली गलौज कर देते हैं। और आज के जो भी इंसिडेंस आज हुआ है, मुझे खुली धमकी देकर गए हैं कि मुझे जान से मारी। एक किसी एक के पास बंदूक थी और एक बाकी लोग कंडा वगैरह लेकर के आए। इन लोगों ने हमारे स्टाफ के साथ हाथापाई की, जिसके रोकने के चक्कर में धक्के की वजह से मुझे भी चोट आई। मारपीट हुई है, मेरे स्टाफ, हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज सुना जी, उनको मारा गया है, उनके पूरे निशान आ गए हैं हाथ में। 3 बार यहाँ पे हुआ है पहले। सर पहले यहाँ पे रमेश पांडे जी खुद एडमिट हुए थे और किसी बात को लेकर के वो नाराज हो गए, जिनको हमने बहुत समझाने की कोशिश की थी। उस समय भी इसी तरह का हुआ था, कुछ 20-25 लोग आ गए थे और इसी तरह मुझे घेर करके खड़े थे, क्योंकि लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं यहाँ पे इतनी गुंडागर्दी से और इस तरह के। इसके कितने लोग ICU में मरीज भर्ती है जिनके अटेंडेंट के लिए नहीं हो रहा है। और तो और सोचिए, हमारा प्रशासन मदद कर रहा है, प्रशासन पे भी हाथ उठा दिया गया। ये कैसे नेता है और ये कैसे लोग हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। पुलिस वाले हैं, डॉक्टर है, जो हमारे लिए खड़े हैं दिन रात अपनी ड्यूटी, अपने परिवार को छोड़ करके, उन पे भी हाथ उठा दिया, एक पुलिस वाले पे हाथ उठा दिया। इतनी हिम्मत किसने दे रखी है इन लोगों को।
सूचना मिला था कुछ लोग, एक पेशेंट था वो एडमिट था, उसके कुछ अटेंडेंट लोग कुछ बातों में बकझक हुआ और हॉस्पिटल स्टाफ से मारपीट हुई, तो इसी के संदर्भ में हम लोग इंक्वायरी करने होंगे। फर्दर इंक्वायरी के बाद जो विधिवत कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे, चाहे जिसकी जोरों में से किसी पक्ष की गलती। तो जवान से भी मारपीट की गई है, बैच वगैरह हम लोग देख रहे हैं, उसके लिए भी अलग से एफआईआर की जाएगी, चाहे इंक्वायरी करा कर और जो विधि सम्मत कार्रवाई हो की जाएगी। अच्छा, कौन है रिवर्बल भी पाया गया था। अभी इंक्वायरी की बात है, ये कौन है सर जो मारपीट की है, कौन क्या नाम? अभी इंक्वायरी का बात है, ठीक है, आपको आगे जानकारी दी जाएगी।